हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया जाता है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूट वर्ड से सब्स्टिट्यूशन बना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पूरक, या कह सकते हैं विकल्प। एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज का विकल्प हो सके, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट, उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम शॉप पे जाते हैं, हम शॉप पे जाके कहते हैं कि हमें पेप्सी दे दीजिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। तो शॉपकीपर कहता है पेप्सी नहीं है। तो हम पेप्सी के अल्टरनेट में कौन सी कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करेंगे जो उसका विकल्प हो सकती है? माजा, लिम्का, कौन सा? कोक। तो जो पेप्सी है उसका सब्स्टिट्यूट कोक हो सकता है। ऐसे ही हमारे गेम्स होते हैं, कबड्डी हुआ या कुछ हुआ, उसमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। वे क्या काम करते हैं? बाय चांस अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो जो प्लेयर बाहर जाता है उसकी जगह लेने के लिए जो प्लेयर ग्राउंड पे आता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो ऐसे ही हमें कुछ वैल्यूज बनानी है एक्स के लिए या वाई के लिए जो उनका सब्स्टिट्यूट हो सकती है, और हमें उनकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मोस्टली प्रॉब्लम क्या है, लॉकडाउन में सभी घर पे फंसे हुए हैं बच्चे, मैथ्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मैथ्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपना काम कर सकते हैं। मैं भी वही पीडीएफ यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 से, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम चाहते हैं कि हम क्वेश्चन में ना अटके, हमारा सॉल्यूशन अच्छे ढंग से निकल जाए, तो आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ कि हम सभी मेथड से सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा चेक कर ले पहले कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, जैसे यहाँ से A1 की वैल्यू 1 है और यहाँ से A2 की वैल्यू 1, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस 1, B1 और B2 की वैल्यू, उनको अगर डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वैल्यू आती है माइनस 1। तो 1 नॉट इज इक्वल टू माइनस 1, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप अपना चेक भी कर सकते हैं लिख के। अब आप क्या करें, अपनी किसी भी एक इक्वेशन को यूज कीजिए। किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, आप इस इक्वेशन में से एक्स की या वाई की किसी भी वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो y को आप राइट में ले लीजिए और इसको एक नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो आपने जिस भी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसको उसमें ना पुट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करें। फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए, और अगर आप ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से बनाते हैं तो हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं। अब करना क्या है, ये जो x है इस x का सब्स्टिट्यूट कौन है? y माइनस 14। तो x की जगह कौन ले सकता है y माइनस 14, बिकॉज x इज इक्वल टू 14 माइनस y, मैंने y माइनस 14 बोल दिया, माइनस 14 माइनस y, तो x का सब्स्टिट्यूट y है। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू 4। आपको बार बार बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प, एक ऐसी वैल्यू जो दूसरी वैल्यू की जगह ले सकती है वो सब्स्टिट्यूट कहलाती है। तो x का सब्स्टिट्यूट हमने तैयार किया y माइनस 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये बना 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14
minus 2y is equal to minus 10, y is equal to, अब ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में, ये राइट में जाएगा तो डिवाइड में, और ये 2 नेगेटिव साइन के साथ है, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब आप इस वैल्यू को फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पर मेरी एडवाइस है आप इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करें, या तो आप पुट वर्ड यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो है x की वैल्यू 9 और जो y है वो 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये आंसर हमारा ठीक है या गलत है, इस वैल्यूज को, ये जो भी हमारी वैल्यूज निकली इक्वेशन में चेक कीजिए, x plus y that is 9 plus 5, 14 is equal to 14, बिल्कुल ठीक है, 9 minus 5 is equal to 4, ये वैल्यू भी ठीक है, या आप इस तरह से अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज है ये वो ठीक है या गलत है। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ x, ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो कह रहेगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ y। अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, हम चाहे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते तो वो बनता y is equal to 14 minus x, और इसका नाम होता है इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां से ये सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी। अब पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है, अब इसको सेकंड में पुट करें इनटू इक्वेशन सेकंड। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारी x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस y की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट यूज करें, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आप लिखेंगे x माइनस 14 माइनस x, तो गलत है वो बात। अगर हम ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये बनेगा x माइनस 14 प्लस x, इस तरह से साइन चेंज नहीं होते, और अगर ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, x और x 2x और 14 राइट में गया तो प्लस 14, x इज इक्वल टू 18 बाय 2 इज इक्वल टू 9, पहले भी वैल्यू 9 आई है और अभी आपकी वैल्यू आ गई है 9। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। आपको बार बार बता रहा हूं, आप ये जो वैल्यू निकलती है x की, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं या थर्ड में कर सकते हैं। मेरी एडवाइस हमेशा थर्ड इक्वेशन रहेगी, थर्ड इक्वेशन है इस सेकंड केस में y is equal to 14 minus x is equal to 14 minus 9 is equal to 5। दूसरे ढंग से हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो तब y is equal to 5 और x is equal to 9 हमारी सेम वैल्यूज आती है, तो आप चाहे तो x का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और चाहे तो y का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा।